आज 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर इंडियन के लिए, क्योंकि आज हमारे उसमें ड्रोन्स के बारे में डिस्कस किया गया था और ड्रोन शक्ति नाम का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दिस प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ड्रोन एज अ सर्विस। अब ड्रोन एज अ सर्विस का क्या मतलब हुआ? ड्रोन एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि इस तरह के प्लान्स, स्कीम्स और आइडियाज जनरेट करेंगे जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम यूज ऑफ ड्रोन लगा सकते हैं, जहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर यूज किया जा सकता है। आज ये भी कहा गया था कि यूज ऑफ ड्रोन विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, यानी कि फसलों की मॉनिटरिंग, छिड़काव करने का, इंसेक्टिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें होती हैं उनका स्प्रे करने के लिए, फार्म की मेजरमेंट करने के लिए ड्रोन्स का प्रमोट करना बहुत जरूरी बताया गया है, जो कि ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा बूस्ट गेन करेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले हफ्ते में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और साथ में जो आपका फार्मर्स वेलफेयर है, इन दोनों ने मिलकर कुछ अमेंडमेंट्स किए थे ड्रोन रूल्स 2021 में। इसमें दो पॉइंट इन्होंने चेंज किए थे। पहला, इन्होंने कहा था कि द न्यू गाइडलाइंस विल प्रोवाइड सब्सिडीज अप टू 10% और 10 लाख्स whichever is higher in the purchase of the drones. दूसरा पॉइंट ये था, जो ड्रोन्स जो खेती में यूज होते हैं उनका पेलोड 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया गया है। पेलोड क्या होता है? पेलोड एक वो कैपेसिटी होती है जो आप ड्रोन पे फुली प्रिपेयर रेडी टू टेक ऑफ ड्रोन जो रखा है, जिसमें बैटरीज भी लगी है, उसके बाद आप उस पर कितना वेट लोड कर सकते हैं, वो वेट को हम लोग पेलोड बोलते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है जब हम लोग ड्रोन्स और इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कि जो नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पहला स्टेप रखा हुआ है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अदर दूसरे प्लेयर्स भी हैं और काफी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स भी हैं, तो जो नए स्टार्टअप्स हैं जो इसमें स्टेप करना चाहते हैं उनके लिए क्या? बिकॉज ये समय एक सबसे बढ़िया गोल्डन एरा है इस चीज में आने में। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक, टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, कीप फ्लाइंग।